नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका भाषा की नियुक्ति में प्रक्रिया में शामिल किए जाने के विरोध में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति द्वारा रविवार को बारपोखर गांव से मामर कुदर मोड़ तक पुरुष एवं महिलाओं ने हाथों में तख्ती लेकर जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश प्रकट किया। भोजपुरी भाषा न्याय न्याय चलतो के नारेबाजी के साथ लोग चल रहे थे। इस अवसर पर बारपोखर गांव से मामर कुदर मोड़ तक 5 किलोमीटर दूरी तक पदयात्रा जुलूस में आसपास के गांव बारपोखर गांव मुचियाड़ा पूड़ा कुसमा कूड़ा भेंड्रो डाबर बहाल सहित दर्जनों के गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह जुलूस बारपोखर गांव से मामर कुदर मोड़ तक पहुंचा, जहां सभा के रूप में तब्दील हो गई। इस अवसर पर झारखंड भाषा के संघर्ष समिति के सदस्य लक्ष्मण कुमार महतो ने कहा कि यह झारखंड के नवनिर्मित की लड़ाई है। हमें भाषा और संस्कृति की लड़ाई के लिए एकजुट होना होगा एवं चट्टानी एकता के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। हेमंत सरकार को बाहरी भाषा को हटाने के लिए 332 का खतियान को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य करना है। उन्होंने कहा कि राज्य की अपनी विशिष्ट पहचान है, अपनी भाषा अपनी संस्कृति होती है, उस राज्य को अपनी नीति होती है। अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा, अपनी भाषा और संस्कृति को बचाना होगा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ विरोध किया गया। इस अवसर पर शाजू महतो, करम चंद्र महतो, राजकुमार महतो, प्रफुल्ल महतो, विनोद महतो, प्रदीप महतो, बैजनाथ सहित प्रतिमा महतो, प्रतिमा देवी, संगीता देवी, शानू देवी, राजकुमार सिंह, जीरा देवी, जीरा गौर गोराई, रघुनाथ महतो, सुखदेव सिंह, जगन्नाथ महतो, सुखदेव सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र नौजवान ग्रामीण शामिल थे। सबसे पहले आप सभी को जय झारखंड, जोहार झारखंड, हुल झारखंड। आज जन सैलाब भोजपुरी मगही बोकारो और धनबाद में नहीं चलतो। हमने एक भाषा लो खट्टा, हमने एक संस्कृति भाषा के जो अतिक्रमण कर तो इगला ना चलतो। आज हमने एक माई बेटी रोटी भाषा संस्कृति अधिकार के हनन भाई लो सेटा खातिर आज हमने लड़ाई हो। और झारखंड सरकार हेमंत सरकार के चेताई हो कि तोर विपक्ष के बहाना ना चलतो, तो ककरो बहाना करी ना इटा करबे। तो 1932 कर ले, 1932 लागू कर। तो घोषणा पत्र में जेटा कहल ले सेटा लागू कर। धनबाद बोकारो में भोजपुरी भाषा ना चलतो, मगही ना चलतो, बाहरी भाषा के हमने बर्दाश्त नहीं करबो। और मान झारखंड में हमने के अधिकार के हनन भेतो तो हमने जम सलाम रहा तोरा 27 तारीख तक अल्टीमेटम दे हो। अगर नहीं सुधरबे, अगर हमने बात नहीं मानबे तो विधानसभा तक घेरा करबो। तो सही खातिर आज ये जम सलाम का जो देखे हमने लड़ी के लिखी के कटी के ले लिए झारखंड। तो सही खातिर हेमंत सरन इटा सुन ले कि तो विपक्ष कर ककरो बहाना नहीं कर। तो इटा जल्द से जल्द इटा भोजपुरी मगही इटा हटाओ और अपन अधिकार हम रख दे। और नहीं तो तोर खिलाफ बहुत बड़ा अंजाम हो, तो बुरा अंजाम हो, तो हमने विधानसभा खराब करबो। तोरा 27 तारीख के अल्टीमेटम दे हो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोकारो से भोजपुरी मगही वापस करे है तो करे है तो करे है तो जय झारखंड। आज हम लोग बारपोखर पंचायत से लेकर हम लोग मामर कुदर मोड़ तक हेलो भाषा आंदोलन के कार्यक्रम जो हम लोग किए गए हैं, ये हेमंत सोरेन अपना मनमानी वाला काम कर रहा है और इनके आरोप में हम लोग भाषा का आंदोलन के लिए हम लोग जो भाषा यहाँ पंचायत वाज में हम लोग करा रहे हैं। यदि इस भाषा को आंदोलन का बात वापस अगर यदि हेमंत सोरेन नहीं लेगा तो 7 मार्च को हम लोग पूरे विधानसभा में हम लोग घेराव कराकर इस भाषा को आंदोलन को वापस कराएंगे। और 1932 साल को खतियान जब वो राजगद्दी में बैठा उस समय शपथ लिया था उन्हें, हमने जब 1932 साल का खतियान को हटाकर हम
1935 साल का खतियान को हम लागू करेंगे और 1985 साल का खतियान जो लागू किया है उसको हम रोध कराकर 1932 का खतियान को हम लागू कराकर हम झारखंड जनताओं को सबको झारखंड वासियों को सबको हम लोग को ये हम लोग हार्दिक स्वागत करेंगे। यही हम लोग को हेमंत बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।